नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में। चुनावी समर खत्म हो चुका है, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने बढ़त बनाते हुए अपनी सरकार बनाने का ऐलान जहां किया है, दावा किया है और बहुमत से विजयी होकर के एक इतिहास भी रचा है। इन्हीं सब चुनावी चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए हैं आज केएस चौहान सर को। जी हाँ, जिला उपाध्यक्ष साथ ही प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान, जो राजनीतिज्ञ हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और काफी चर्चा हम चुनावी इनसे कर चुके हैं चुनावी समर में। और आज जब नतीजे आप सबके सामने में हैं और भाजपा ने बढ़त बनाते हुए एक विजय हासिल की है, तो कुछ चंद सवालों पर चर्चा जो हमारे मन में संशय है उसको लेकर हम करेंगे। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है स्टूडियो में और चंद सवाल आप पर मैं दागने वाली हूँ। प्रदेश प्रवक्ता आप हैं और समय समय पर स्टूडियो में आमंत्रित करके हम आपसे राय मशवरे के साथ जानकारियां भी लेते हैं। आपको बधाई, बहुमत हासिल करके भाजपा को अब सरकार बनाने जा रही है। एक नतीजा जो कल आया है चुनावी, उसका मतगणना के बाद का, चौंकाने वाला था। ऐसा किसी ने कयास भी नहीं लगाया था, सभी को यही उम्मीद थी और सभी ताक लगाए बैठे थे कि फिर से एक बार भूपेश सरकार रिपीट हो रही है। और कांग्रेसियों में भी काफी यानी खुशी थी और भाजपा के जो चाहे वो पदाधिकारी हो या प्रत्याशियों के चेहरे शुरुआती दौर पे काफी मुरझाए थे, लेकिन जैसे रुझान बढ़ता गया उनकी उत्सुकताएं बढ़ती गई और बहुमत मिला। क्या कारण मानते हैं जो इस तरह से धराशायी हुई भूपेश सरकार? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शाहीन जी, मैं सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता को, दुर्ग की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया। और इस चुनाव में शाहीन जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही चुनाव में नहीं, सभी चुनाव में, पांचों राज्यों के चुनाव में, पांचों राज्यों ले लेते हैं तो जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है। अब जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जनता को आप जो वादा करोगे, अब आप बोलोगे कि ये कारण से मैं वादा पूरा नहीं कर रहा हूं, वो कारण से वादा नहीं पूरा कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनता आप सब देती है, अगर आप आपके ऊपर भ्रष्टाचार में नाम आया है तो आप कितनी भी सफाइयां दे दो, लेकिन जनता को सब समझ में आ जाता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा। भले उतना हो ना हो, मैं ये नहीं बोलता हूं, वो तो जो है वो न्यायालय का काम है साबित करना, लेकिन जनता की अदालत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। और जनता, कोई भी पार्टी किसी को हरा नहीं सकती, कोई भी जिता नहीं सकती, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। आप जनता से बाहर नहीं जा सकते, वो आपकी मालिक है और वही सेवक को अपने अपॉइंट करती है। और जनता ने हमारे को ऐसा लग रहा था कि आपका जो क्वेश्चन था कि अप्रत्याशित जीत हुई या जिसको जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन अब आप ग्राउंड लेवल में जाके देखेंगे तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। आप व्यापारी वर्ग देख लीजिए, आप कर्मचारी वर्ग देख लीजिए, आप महिलाओं की असुरक्षा को महसूस करके देख लीजिए और आप बाकी सब चीजें भी, मतलब विफलताएं जो हुई हैं, भ्रष्टाचार जो हुआ है और वादा खिलाफी जो हुई है, उसपे जनता ने पूरे अपने मन में बिठा के रखा हुआ था। ठीक है, वो किसी को कुछ बोलती नहीं, ये उनकी खासियत है कि वो किसी को बोलेगी नहीं, लेकिन समय आने पे अपना निर्णय वो बता देगी। और मुझे बहुत खुशी है कि जनता जागरूक हुई और देखो अभी, मतलब आने वाली सरकारों के लिए ये नसीहत है, आने वाली जनप्रतिनिधियों के लिए ये नसीहत है कि आप कितने भी वोट से आप जीते हों, आपको हरा के रख दिया जाएगा उतने ही वोटों से, अगर आप अपना काम, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करोगे तो। जी, 90 विधानसभा की अगर बात करें तो जो भूपेश के जो कैबिनेट मंत्री थे, मंत्रीगण के समझो कंप्लीट टीम ही धराशायी हुई। क्या कारण मानते हैं? मोहम्मद अकबर का कवर्धा क्षेत्र का एक ऐसा बहुमत था जो पिछले चुनाव में सामने आया था, ठीक उसके विपरीत इस चुनाव में उसका विपरीत असर देखने को मिला। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कवर्धा में जातिगत जो दंगा फसाद हुआ था, क्या इसको कारण मान सकते हैं? क्या वहां की जनता जो धर्म को लेकर के समीक्षा की थी उनको अपने पैमाने पर सही नहीं बैठा पाई, ये मानते हैं? देखिए, जो कवर्धा की घटना हुई या बीरनपुर की घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं थी। या हम देख सकते हैं कि जो मलकीत सिंह की जो हत्या हुई वो एक सामान्य घटना नहीं थी।
वो कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन की फेलवर था और लोकल जनप्रतिनिधियों का उनपे संरक्षण था, जबकि वो जो प्रत्याशी जीते हैं बीरनपुर के, वो रो रो के जब उनकी बेटे की चिता जल रही थी तो उन्होंने रो रो के बोला था कि रविंद्र चौबे का आदमी ने बोला है मारे सालों तेलियों को, ये वर्ड है उनके। तो ये वर्ड कहाँ से आते हैं? जब हमारे को संरक्षण मिलता है, जब सभी चीजें हो रही हैं, तो आप एक एक पूरा प्रदेश चला रहे हो, आप किसी एक कौम के नहीं हो के रह सकते हो, आपको हर किसी कौम का होना पड़ेगा। आप एक जनप्रतिनिधि हो भाई, और आप बोलोगे कि हमारी ये कोर वोटर्स हैं, और हम बहुत सारे रोहिंग्यों को वहां पर बसाया गया, उसके बावजूद भी वो हारे। क्यों? क्योंकि क्योंकि जनता ये चाहती थी कि गलत उन्होंने देखा, भले उनका उस समय बस नहीं चला। अभी देखिए बीरनपुर की घटना हुई, उसमें 7-8 दूसरे लोगों को भी, अन्य समुदाय के लोगों को भी अंदर कर दिया गया। कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपने इनको अंदर कैसे कर दिया, जबकि इनका कोई रोल ही नहीं है। जो तो ये मैसेज क्या दूसरों को नहीं पहुंचता है? बीच में बोलना चाहूंगी, बीरनपुर की घटना के लिए जहां पर एक हिंदू धर्म के या फिर उसके जब हत्या हुई या उसकी मृत्यु हुई उस पर जो फसाद हुए, लेकिन वहीं पर एक मुस्लिम कौम के दो लोगों की मृत्यु, उसके लिए किस तरह का कोई ना फसाद, सब शांतिपूर्वक ही वहां पर इसको ढक तो गया ऐसा सामने आया। देखिए देखिए इसमें क्या हुआ कि बीरनपुर में जो घटना हुई, साहू समाज का जो लड़का था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अपने ताम्रध्वज साहू जी, लेकिन और उसके पहले भी आप होम मिनिस्टर हो, और उसके बाद आप वहां पर जाके सूद लेने नहीं गए हो। तो सिर्फ एक ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनके समाज के हैं इसी वजह से, तो ये कहीं ना कहीं वो टीस रह गई, और आप उसके कारण आप एक मुस्लिम समुदाय का जो के यहाँ भी जो घटना हुई उसके यहाँ भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ अपनी राजनीति के कारण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना आप किसी के भी नहीं हो, किसी भी कौम के नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप वहां किसी भी जगह नहीं गए कि इधर जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, उधर जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। आपने मानवता या अपना कर्तव्य वहां पर पूरा पालन नहीं किया, जो कि जनता पूरा देख रही थी। और मलकीत सिंह की अगर बात करें, अभी बताया आपने, तो उसके लिए जो यहाँ भिलाई नगर के प्रत्याशी भाजपा के थे प्रेम प्रकाश पांडे, उन्होंने काफी वहां धरना प्रदर्शन किया जी। और काफी सिंपैथी दिखाई, और आखिरी समय पे भी जब मलकीत सिंह वाला जो मैटर हुआ उसमें भी वो काफी इन्वॉल्व रहे थे, जी। न्याय दिलाने के लिए भी काफी मशक्कत की। इस दौरान भिलाई नगर जो वर्तमान विधायक थे और अभी जो है वो भी वहां मौजूद थे, तो क्या वो वाला मैटर इसमें नहीं भुनाया गया जो देखिए प्रेम देखिए प्रकाश देखिए पांडे जब 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 यहाँ पर के जो वर्तमान के जो देवेंद्र यादव विधायक थे उस समय, तो उस समय वो जब गए वहां पर और वो मुंह छुपा के भागते भागते हुए नजर आए, और वो वहां पर डट के मुकाबला नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उनको जाना था वहां पर, अपनी अपना मुंह दिखाई करना था, इस वजह से वो वहां पर गए, वरना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि जाने वाला चले गया, लेकिन उसके परिवार के लिए आप कितना लड़ रहे हो, उसके उसके साथ कितना खड़े हुए हो, वो आपको वो वहां पर नहीं दिख रहा था, और वो जनता ने नोटिस किया कि आप चुपचाप आए हो और चुपचाप चले गए हो, और आपको चुपचाप, यहां तक कि मुख्यमंत्री नहीं गए, अगले दिन मुख्यमंत्री आते हैं और 200 मीटर वहां पर नहीं जाते हैं, आप आते हो और अन्य 1 किलोमीटर में आप शिलान्यास करते हो किसी चीज का और उद्घाटन करते हो, और आप मलकीत सिंह के उसमें नहीं जाते हो, आप बीरनपुर नहीं जाते हो, आप कवर्धा नहीं जाते हो, तो ये क्या है? मतलब मुख्यमंत्री जी अपने अपनी जवाबदारियों से बचते रहे, तो ये आप सिर्फ त्योहार मना लोगे और सोचोगे कि हम अपनी जवाबदारियों से बच जाऊं, त्योहार मनाना भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूं, बिल्कुल बनाइए त्योहार, लेकिन त्योहार तब बनता है जब आप अपनी जवाबदारियों से, आप उसके त्योहार बना के आप अपनी जवाबदारियों से आप मुंह छुपा रहे थे, त्योहार बना के आपको जो घोषणाएं और जो घोषणाएं की हैं उसको आप नहीं करके उसका पर्दा ढाक रहे थे, त्योहार बना के आपने जो काम करने चाहिए थे विकास के वो नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ त्योहार बनाए थे। तो खुशी से त्योहार बनता है, त्योहार से खुशी नहीं आ सकती है, तो ये
आदमी को सोचना चाहिए और उन सभी कामों में लगना चाहिए जिससे वो खुशी ले और खुशी से वो त्योहार बनाए। प्रदेश की अगर सेंसिटिव सीट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाटन, जिस क्षेत्र के क्षेत्रीय जो अपने वो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन वो थे, और वहीं से विजय बघेल जो कि सांसद, उन्हें वहां पर खड़ा किया आमने सामने में। और क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी विजय बघेल रहे, उनको पूरा प्रचार प्रसार के लिए समय नहीं दिया गया, या क्या कारण रहा जो शिकस्त जो पड़ी उनकी, क्योंकि लिए कका और चचा में वहां पर जंग थी और भूपेश ने ही बाजी मारी। शाहिन जी, ये वाला जो मुकाबला था वो भूपेश बघेल और विजय बघेल जी का नहीं था, ये मुकाबला था मुख्यमंत्री का एक सांसद के साथ। उसके बाद भी इतनी कम मार्जिन से वो वहां पर चुनाव उन्होंने जीता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के कारण उनको इतना वहां पर वोट मिला। नहीं तो निश्चित रूप से अगर विजय बघेल और भूपेश बघेल का अगर आमना सामना होता तो वो 100% हारते, अगर वो मुख्यमंत्री का तमगा उसके उनके उसमें नहीं लगा रहता। तो विजय बघेल जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे सांसद हैं जिनका टॉप 10 पूरे इंडिया में नाम शुमार है ज्यादा वोटों से जीतने का। तो विजय बघेल जी वैसे भी बहुत वहां पर लोकप्रिय भी नेता हैं, और मैंने आपको जो बोला कि विजय बघेल और भूपेश बघेल में अगर ये मुकाबला होता तो 100% भूपेश बघेल हारते और बहुत ज्यादा अच्छी मार्जिन से विजय भैया जीतते। जैसे हम बात करें कि कका भूपेश है तो भरोसा है, कका अभी जिंदा है, ये वाला स्लोगन छत्तीसगढ़ में के लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए, ये एक्चुअली इसका कारण ये मान सकते हैं कि समय समय पर इनको ये स्लोगन भुलाने, केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर आना जाना लगातार जारी रहा, चुनाव के चंद दिन पहले ही पीएम आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो ये स्लोगन जो कका अभी जिंदा है अब भूपेश तो भरोसा है, क्या मानते हैं किसका जादू क्यों नहीं चल पाया। देखिए, जो इंसान अपने दल से अपनी टीम से अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है ना, उसको ऐसी पटकनी मिलती है, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है कि जगह आपको अपनी टीम पे भरोसा रखना चाहिए था, अपने दल पे भरोसा रखना चाहिए था, कांग्रेस है तो भरोसा है ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन आपने कांग्रेस से भी अपने आप को ऊपर रखा, लास्ट तक ऊपर रखा। तो जो कांग्रेसी समर्थक हैं वो एक भूपेश बघेल के समर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चल रही है और एक व्यक्ति के साथ नहीं चल सकती है। विचारधारा के हम फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं ना कि एक व्यक्ति के फॉलोअर्स होते हैं। आज भी जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस को प्यार करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो गांधी परिवार से प्यार करते हैं, वो कांग्रेस से प्यार करते हैं, उनकी विचारधारा से प्यार करते हैं, उनके वो कोर वोटर्स हैं उनके, ऐसा नहीं है। और वही चीज यहां पर भी उन्होंने दोहराने की कोशिश की, इसीलिए केंद्र में जो है वो जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के कारण, सोनिया जी के कारण और इनके कारण कांग्रेस आज सफर कर रही है, और भूपेश के कारण यहां पर जो राज्य की जो कांग्रेस थी वो सफर कर रही है, क्योंकि भूपेश ने एक टीम वर्क के हिसाब से काम नहीं किया, अपने टीम के लोगों को उन्होंने दबा के रखा, दल से ऊपर उठने की अपने खुद ने कोशिश की, ये उनका परिणाम है। अब बहुमत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब जल्दी सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान लगा हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं, क्या कयास लगाते हैं मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। 3-4 नाम जो उभर कर सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा पहले ओपी चौधरी सर का है और प्रदेश में अपनी अच्छी छवि के लिए अरुण साव सर भी जाने जाते हैं, तो क्या लगता है किस पर विराम लगेगा और किनको तख्त ताज पहनाया जाएगा। देखिए, हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं, लेकिन बात काबिलियत की नहीं होती है, बात हम लोग ये देखते हैं कि हैसियत की देखते हैं, कौन किस हैसियत में वो बैठेगा, है ना। तो यहां पर तो सभी लोग काबिल हैं। अब जैसे विराट कोहली को अगर कप्तानी से हटा दिया गया है, रोहित शर्मा जी को ला दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली अपनी टीम के लिए, अपने इंडिया के लिए नहीं खेल रहा है या उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का है, ओपी चौधरी जी हो या अरुण साव जी हो या कोई भी XYZ हो, तो वो
उनको जो जवाबदारी दी जाएगी, उनको फील्डिंग अगर कराई जाएगी तो फील्डिंग में बहुत 100% देंगे, उनको कप्तानी कराई जाएगी तो कप्तानी में करेंगे, उनको उप कप्तान बनाया जाएगा उनको उप कप्तान बनाने में, जिनको मतलब नेता प्रति नेता बनाया जाएगा, समूह का नेता बनाया जाएगा, वो समूह का नेता बनेंगे और सभी लोग ऐसे ही बनेंगे और अपने अपने कामों में सब इन्वॉल्व रहेंगे और शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस चीज को डिसाइड करेगा और जो हमारे विधायक विधायक हैं वो अपने दल के नेता को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व हो या विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो सके, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हिसाब से कैसे काम आगे बढ़ सके, जो कि काम रुक गया था उसके हिसाब से ही मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा। लगातार हम चुनावी चर्चा आपसे करते रहेंगे, आप दर्शकों का आभार जता दें जिन्होंने बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने। दोस्तों इस चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि हम चुनाव जो है जनता जागरूक हुई और जनता ने यह दिखा दिया कि अगर हमारे अनुरूप आप काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी बोले, आप कुछ भी बोले, वो जनता वो हम नहीं सुनेंगे, आप क्या करते हो वो हम देखेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे, क्योंकि वोट आपका अधिकार था, वोट आपका अधिकार है रहेगा और उसके हिसाब से ही से जनप्रतिनिधियों को चलना पड़ेगा, ये आगे के लिए भी सबक होना चाहिए, ऐसे ही हमें अपना निर्णय लेना चाहिए और फुल प्रूफ निर्णय लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी देने के लिए, आप जवाबदारी नई जवाबदारी देने के लिए आपने बहुत बहुत आपने चुना और उस जवाबदारी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।